अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं एगलेस पुडिंग, जो कि बहुत आसान और बहुत टेस्टी बनती है। बच्चों की फेवरेट है ये। आप इसे रमज़ान पे बनाएं, ईद पर बनाएं, कोई भी छोटे मोटे ओकेजन हो आप इसे बनाएं। बच्चे इसे खाकर बहुत खुश होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। मैंने ये देखिए एल्युमिनियम का मोल्ड ले लिया है, मेरे पास था, केक वाला टिन है। इसमें मैंने बटर लगा के अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है, इसकी सरफेस पे भी ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ से फैला लें। अब इसके ऊपर हम डालेंगे शुगर, ये 4 चम्मच शुगर है। इसे हम कैरमलाइज करेंगे इसी टिन के अंदर, अलग से हम नहीं करेंगे, इसी के अंदर करेंगे। ये चारों तरफ से आप इसी में फैला लें, फिर हम इसे गैस पे रखेंगे। ये देखिए मैंने एकदम स्लो गैस पे इसे रख दिया है। अब ये धीरे धीरे शक्कर मेल्ट होगी। बीच में हमें चम्मच बिल्कुल नहीं डालना है, वरना बिल्कुल शक्कर खराब हो जाएगी। जब तक ये मेल्ट ना हो जाए इसे हाथ ना लगाएं, बस धीरे धीरे उसे इस तरीके से हिलाते रहें चारों तरफ से। ये देखिए चीनी हमारी कैसे कैरामलाइज हो रही है। इसे चारों तरफ से आप ऐसे हिलाते रहें ताकि वो हर जगह ऐसे पहुंचती रहे और जले ना बिल्कुल। अगर ये काली पड़ गई तो ये शक्कर कड़वी हो जाएगी, इसलिए आपको बराबर ध्यान रख के इसे मेल्ट होने देना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम रखें और चारों तरफ ऐसे घुमाते रहें। ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम अपने पुडिंग की तैयारी करते हैं। ये दूध ले लिया है मैंने, ये सॉस पैन में मैंने दूध चढ़ा दिया है। आप इसे ले लें और एक उबाल आने दें जब तक हम अपना कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 4 चम्मच भर के कस्टर्ड ले लिया है। अब मैं इसमें ये दूध डालकर इसका एक घोल बना लूंगी। घोल में बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से स्मूथ सा एकदम पेस्ट बना लीजिए। दूध हमारा पक रहा है, इसमें एक बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। ये शक्कर आप दूध के हिसाब से लें, जितना मीठा पसंद करते हैं, और इसे खोलने दें। ये कस्टर्ड देखिए हमारा कैसा स्मूथ सा तैयार हो गया है। अब जैसे ही हमारा दूध में उबाल आएगा हम इसे डालेंगे। ये मैंने ले लिए 6 ब्रेड है मेरे, ये देखिए 6 ब्रेड ले लिए है मैंने। अब इसकी सारी एजेस को हम काट के इसके छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे। मैं दिखाती हूँ तरीके से आपको काटना है इनके चारों कोनों को। छोटे छोटे पीसेस करना है हमें और हमें मिक्सर में डाल के इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए ब्रेड हमने इस तरीके से बारीक कर ली है मिक्सर में डालकर। दूध ये गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड जो हमने ये बनाया था, कस्टर्ड का पेस्ट। इसे पूरा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा वरना लम्स पड़ जाते हैं। इस तरीके से आप पहले चम्मच से इसे मिला लीजिए क्योंकि नीचे जाकर ये बैठ जाता है। देखिए ये हमारा थिक हो चुका है, जैसे हमने कस्टर्ड डाला और लो फ्लेम पे हम इसे चला रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड। ब्रेड को भी आप थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, पूरी मत डालिएगा, थोड़ी थोड़ी डालिए और चलाते जाइए इस तरीके से जैसे मैं चला रही हूँ। पहले चला लीजिए तब दूसरा डालिएगा ताकि वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए मैं इसे अच्छी तरह ब्रेड को मैंने मिला लिया, इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। विस्क की मदद से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें लम्स ना रहे। और मैंने गैस की फ्लेम को अब बंद कर दिया है। ये देखिए इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ,
इस तरीके से आप रखिए। अपना शक्कर वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। बस इसे अब हम अपने मोल्ड में डालेंगे। ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें इसे डालेंगे। ये देखिए हमने इसे सारा इसमें पलट दिया है। अब आप इसे फॉइल से कवर कर दें। मैं इसे ढक्कन से कवर कर रही हूँ। इस तरीके से कवर करके ये मैंने इधर भगोना चढ़ा, ये देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये मैंने एक बड़ा भगोना ले लिया, उसके अंदर मैंने एक ऐसा स्टैंड रखा, दो ग्लास पानी डाल दिए, इसमें स्टीम आने लगी है, हम इसे स्टीम पर ही पकाएंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसे ढककर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 30 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। अब मैं इसे खोलकर अब देख रही हूँ 30 मिनट हो चुके हैं हमारे, ऊपर की सरफेस सूख चुकी है। अब हम इसे निकालकर फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए 2 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है। मैं इसे किस तरीके से देखिए पलटकर और प्लेट में इसे डाल रही हूँ। आप इस तरीके से आहिस्ते से इसे निकालिए, ये बहुत आसानी से निकल आएगा। ये देखिए निकल आया हमारा। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ, कितना अच्छा स्मूथ और परफेक्ट बना है ये। या आप एग के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे एगलेस बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है ये। क्रिसमस पर आप इसे बनाइए, पार्टी पर बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, बहुत लाजवाब होता है। और इसे बनाइए, ज़रूर बनाइए, और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।